तो हे गाइस, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे, बिंदास चिल कर रहे हो अपनी लाइफ को। तो आज हम कोई प्रैंक नहीं करूँगा मैं, आज सिर्फ नॉर्मल व्लॉग है अपना। तो बच्चे चले गए अपने स्कूल, हमारी बीवी देखो कितनी स्मार्ट, कितनी अच्छी है, सुंदर सी। अच्छा, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, इसकी जितनी तारीफ करी जा रहा उतनी कम। दूध निकल कर गुस्सा आ रहा मुझे, दूध निकल गया। अरे कोई बात नहीं, दूध निकल गया, दूध वैसे इसकी और मेरी गलती दोनों की वजह से निकला है। ये तो चली गई थी अंदर कमरा सेट करने के लिए और नहाने के लिए, उसके बाद मैं बाहर बैठा हुआ एडिटिंग कर रहा था अपनी वीडियो की, तो क्या होता है जी, दूध निकल जाता है। तो अब दोनों की गलती मानी जाएगी ना, तो दोनों की गलती की वजह से कम हम 2 किलो दूध लेते हैं, 2 से 2.5 किलो। कितना निकला होगा? आधा पौना किलो दूध निकल चुका है हमारा, जो कि हमें बड़ा अफसोस हो रहा है। चुप, पांक छटा, बीच में ना बोला कर प्रैंक के वीडियो के, सिर फोड़ दूंगी आपका। बक बक ना किया कर, चुप चुप चुप। तो मैं क्या कह रहा था, अच्छा क्या बना है तो बता, क्या बना बता, तो तू अपने आप बता क्या बना है, बता तू। पता नहीं क्या बना है। पास्ता। पास्ता बना है। अच्छा क्या क्या डालना है उसमें? पता नहीं। चुप, समझ गई? बिल्कुल शट अप, बकवास नहीं करनी। देख रहा मुझे क्या क्या बना है। तो गाइस ये पास्ता बना है मैडम ने, बहुत सुंदर। और ये थाली देख कैसी ले आई, थाली देख कैसी ले आई है, मुड़ी हुई थाली ले आई है। हाँ तो ये हमारे घर की रीति रिवाज वाली। खड़ी हो, लेट क्यों रही खड़ी हो, जा। मैं नहीं उठती। कर कैसे रही है? अच्छा बन रहा है क्या? मिर्ची नहीं डाली। बस ठीक, मैं तो डाल लूँ मिर्ची। आज मिर्ची का डब्बा खाली है ना? फिनिश इट तो बता देती। नहीं वो दो यार डब्बा मिर्ची रखी हो, डालूंगी और। अच्छा तो अभी खाता हूँ मैं पास्ता, और फिर उसके बाद करेंगे हम नाश्ता फुल एंजॉय के साथ, फुल मजे के साथ। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? चुप, बोलना नहीं है बिल्कुल भी, लोग के लिए जब मैं बोलूँगा तब बोलना। मैं फिर छोड़ दूंगी आपको, फालतू कर देना। तो आज हम व्लॉगिंग शुरू करते हैं आज से, ये हमारा पहला व्लॉग है, समझ रहे हो। चाय देखो, दिल वाले कपों में चाय लाई है मैडम, देखो देखो दिल वाले कपों में चाय। कब लिए थे हमने कप वैसे? एक साल हो गया। शट अप, पूछो मैं। के बीच में बड़बड़ करती रहती है यार, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे बड़बड़ाती है ये। मैं ना चप्पल मार दूंगी पति से, बदतमीजी पति देव से। तो ये हम कम से कम 1 साल पहले कप लेके आए थे, वो भी डी मार्ट से, और ये बहुत आलसी है, अभी थोड़ी देर में जवाइया लेगी आ आ करके। अभी लेगी ये थोड़ी देर में। मुझे पता है ना इसका, नींद आ जाती है बहुत जल्दी। तो व्लॉगिंग करते हैं यहीं पे, थोड़ी सी रोक देते हैं, थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद। तो गाइस हम लोगों ने पास्ता कर दिया है फिनिश, और पास्ता बहुत ही बकवास बना था। चुप, बोला ना तेरे को, चुप। बीच में बोलती रहेगी, बकवास करती रहेगी, बक बक करती रहेगी हर टाइम। बिल्कुल ही बकवास पास्ता था, ठीक है। हाँ बस मेरे को नहीं पता चला था पास्ता, सीख के आई उससे। और गाइस हम ना किससे सीखा? चुप, तेरे को क्या बोल रहा हूँ मैं, चुप, बिल्कुल चुप। फालतू की बकवास मुझे सुननी नहीं है, समझेगी तू क्या बोल रहा हूँ मैं, चुप। तो गाइस हम ना पिछले साल
पिछले साल ही गए थे ना यार जू में। बोल मुझे नहीं पता, जो पूछता हूँ उसका जवाब नहीं देती। हाँ गए थे पिछले साल, हम जू में गए थे, हमने शेर देखा था ना, तो हम शेर के साथ, इसने फोटो खिंचवाई थी, इसके पीछे शेर ऐसे ऐसे चल रहा था, ऐसे ऐसे करती रहती है हर टाइम। गोटियां खेल लू आंखें निकाल के। तो हम गए थे पिछले साल जू में, बहुत ही मजा आया था, बहुत ही अमेजिंग वाला। और मैंने वहां पे एक नागिन देखी थी जो शेर के सामने खड़ी थी, वो नागिन यही थी। मारा इसको मुझे, ऊपर ये फेंक के मारूंगा नानू का एप्पल। बदतमीज औरत पति देव पे हाथ उठाती है। ये जीव ना तेरी यहाँ होनी चाहिए, यहाँ पैरों पे, ये पैरों पे, समझ गई? तो क्या हमारा छुट्टियों में प्लान बन रहा है, पर प्लान कैंसिल हो सकता है कहीं जाने का? क्यों बकवास करेगी? चुप, मुंह से आवाज निकलनी चाहिए तेरी, समझा रहा तेरे को मैं? ये मांगी बैठ के, तेरे को बोल रहा हूँ ना, चुप हो जा। पति देव के सामने बकवास करेगी तो ज्यादा जुबान चल रही तेरी। व्लॉग में भी बक 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 करती रहती है हर टाइम। वो तेरी कॉपीराइट आ जाएगा मेरे व्लॉग में, जो किसी का गाना चला दिया तने। मैं भी तो बिना गाने के डांस कर रहा हूँ, मनी मन में गाल जो गाना। तो ये पागल औरत ऐसे काम करती है उल्टे सीधे। तो मैं क्या कह रहा था यार, हाँ हम कहीं घूमने नहीं जा रहे इस बार छुट्टियों में, क्योंकि मेरा बजट नहीं है भाई, क्योंकि मेरे को है। चुप, बीच में ना बोलने का, बता रहा तेरे को मैं, चुप हो जा बिल्कुल, घूम बिल्कुल घूम। पता नहीं उनके कमरे के अंदर कोई है औरत, सांस की आवाज नहीं आनी चाहिए, सांस की, सांस रोक ले, बंद कर ले, मुंह के अंदर कर ले अपने, तुझे पता मेरा गुस्सा, मेरा गुस्सा कैसा है? तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, नींबू की जैसे नहीं छोड़ दूंगा। चुप चुप, बदतमीज औरत। तो हम छुट्टियों में कहीं नहीं जा रहे हैं इस बार, हम सिर्फ अपने घर पे एंजॉय करेंगे, है ना मीनू? और हम सिर्फ घर के अंदर ही रहेंगे, मौज मस्ती करेंगे यहीं पे। गर्मी बहुत हो रही है, हम अपना चलाएंगे एसी वाला कूलर और मजे करेंगे ऐसे ही यहीं पे बैठ के बिस्तर पे ही। ठीक नहीं है मीनू? बोल तो यार कुछ। मैं नहीं बोल रही। चुप चुप, तेरे को मना किया ना बोलने के लिए, बोल क्यों रही है? तो बुला की रहे अपने आप, तो बोलो। बुक, चुप, बोलना नहीं है बिल्कुल भी, आवाज मुंह के अंदर होनी चाहिए, तेरे बाहर नहीं आनी चाहिए, नहीं देख ले यो, छोटा देख ले यो, समझ गई? मेरा खरा बोल का दिखा दे। टाइम बक 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 करती रहती है, मैं सुनता रहता हूँ इसकी। भाई बड़ी, तो ब्लॉग काफ़ी बढ़िया बना आज का, तो ऐसे ही देखते रहे ब्लॉग को, एंजॉय लेते रहे। सुनो, चुप, बकवास नहीं करनी, चुप, बात तो सुन लो, चुप हो जा। मिलते थोड़ी देर में, ठीक है गाइस। फाइनली हम हो चुके हैं रेडी ड्यूटी पे जाने के लिए। हमारा बेबी अभी आया नहीं है, छोटा सा बेबी है ये, हमारे बच्चों का बेबी है, ये हमारे बच्चों का बेबी है, छोटा सा। बच्चों के लिए खाने में पता नहीं क्या बना रखा है, खाने में आलू शिमला मिर्च है। चुप, बकवास करेगी मेरे सामने तो है? मैं
लुशीला क्या हो रहा मिर्चा। आपको? कुछ नहीं हो रहा, मेरे ब्लॉग में फालतू बकवास लगे अगर मेरे साथ। तो ये मेरा छोटा सा मुन्ना सा, ये जब डैडी से मिली तब लाई थी इसको, ये जब डैडी होगी थी चुप छोटी थी। बकवास बंद कर, हर टाइम चै 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 करती रहती है। मेंटल औरत। तो हम पता नहीं कहाँ गए थे, शाकुंभरी सहारनपुर गए थे हम। सहारनपुर में ना बागड़ वाले का मेला लगता है, जो बागड़ महाराज की बहुत बड़ा मेला लगता वाले है। और डे नाइट का मेला है वो, मतलब रात को ज्यादा लगता है, ज्यादा अच्छा होता है। तो हम दिन में गए थे वो, वहां से ये जब डेलिशा शायद बहुत छोटी थी तब लाई थी। कितने साल की थी वो? बोलियो। फालतू बकवास करेगी ना, अभी डंडा उठा लूंगा मैं, ज्यादा बक बक करेगी। ये भी मारता है, फिर ये भी मारती है, ये भी मारती है। तो फाइनली हमारा हो गया ड्यूटी पे जाने का टाइम। अभी 1200 का टाइम हो गया, तो इस टाइम में जाता हूँ रात को 10-11 बजे अपनी एंट्री होती है घर में। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं, ऐसे व्लॉग में बने रहें और फुल एंजॉय आएगा आज। इसको भी चुप, देखो 10 बार बोला है व्लॉग में, बीच में ना बात किया कर, बीच में ना बोला कर। तमीज नहीं है तुझे बिल्कुल भी, गवार है तू, अनपढ़ सी। जो मुंह मुंह पे लगाए मेरे, मेंटल औरत। बच्चा मार दिया तुमने। तो ठीक है, हम निकलते हैं ड्यूटी के लिए और मिलते हैं आपको शाम में। शाम में मिलते हैं। बाहर बहुत धूप है यार, बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है भैया। शाम को मिलते हैं। हेलो गाइस, तो मैं पहुंच चुका हूँ घर शाम को, यानी अभी रात के बज रहे हैं पूरे 11। बच्चे हमारे दोनों सो गए हैं, नोनो और डेलिशा दोनों सो गए हैं। ये कूलर लगा हुआ है, ये इनका बिस्तर, और ये पूरा घर बिखरा हुआ है। मैंने अस्त्र शस्त्र अपने गेट दिए साइड में, और अंदर ही अंदर ही से अंदर का गद्दा उठा के ना बाहर डाल लेते हैं, क्योंकि अंदर लगती है बहुत गर्मी। गर्मी की वजह से इधर नीचे सोते हैं कूलर लगा के। क्या कह रही? फर्श पे सोते हैं। क्या है यार, चुप। सुबह भी आप में ही कर रहे थे। क्या कर रहा था मैं सुबह? बोलो ना चुप। तेरे को कितनी बार बोला? जब दो आज दो पड़े फोन पे, तूने 4 बार फोन करा। तू बकवास कितनी करती है फोन पे। कहा हो जी, खाना खा लिया क्या जी? धूप तो नहीं लग रही भाई? धूप नहीं लगेगी धूप पे यार, कैसी कैसी बातें करती है। अब एक बात बताओ, मेरा रंग ये यहाँ से गोरा है, चलो यहाँ से काला हो रहा है यहाँ से। अब जब धूप में काम करूँगा तो काला ही होएगा। फिर कह रही रंग ज़्यादा हाथ काले तो नहीं हो रहे आपके? पागलों वाली जब पकते रहती है। खाना क्या बनाया? क्या बनाया खाना में? चुप, लौकी खाओ मैं। भाई बड़ी लौकी बना ली यार, रोटी डालना रहा था। हर टाइम दिमाग खराब करके रखती है, मेरा भी रखना थी। पागल है यार ये, पर चली से जा, मेरा ना दिमाग खराब कर। क्या हो रहा था रे? कुछ नहीं हो रहा, बकवास ना करेगा, चुप हो जा, चल। तमीज सी, खाना बना ले चुपचाप। खाना बना रही मैं। रोटी बनाएगी रात को, चुप, ज्यादा ना बोले कर। व्लॉग में बिल्कुल भी बकबक नहीं करनी है, समझ गई? बना रही हूँ। बना ले बना ले, मेरे लिए गर्मा गर्म रोटी तारे ये सब्जी आपकी, ये दही है आपकी। दही मेरे लिए रखी है इतनी सी?
देख मैंने तेरे को कुछ बताना है, मेरी बात सुन। जब तू मेरा इतना ख्याल रखती है तो मेरा फर्ज बनता है। यार छोड़ यार, तू तो ना झिड़किया देता रहता सारा दिन। अरे मेरी बात तो सुन, ये जो मैं कर रहा हूँ ये व्लॉग नहीं है पागल, ये प्रैंक कर रहा हूँ मैं तेरे साथ। नहीं वहीं रख दे, मैं प्रैंक कर रहा था इसके साथ, मैं अभी बता रहा हूँ। देखो यार कितना ख्याल रखते हैं मेरे लिए, दही जमा रखे इसने पूरा गिलास भर के। और अब रात को देख लो 11 बजे हैं, अगली सो के उठी है मेरे जब आया हूँ मैं, और रोटी बनाने लग रही है गर्मा गर्म। देखो गैस भी कम कर, रोटी नहीं है मेरे लिए, इसकी इसकी बहुत अच्छी बात है, ये मेरे लिए गर्मा गर्म फूल के ताकती। जब भी मैं आता हूँ, चाहे मैं रात को 12 बजे आ जाऊँ, कई बार ऐसा होता है कि मैं लेट हो जाता हूँ, जैसे दूर चला जाता हूँ पंचकूला मोहाली, वहाँ से आने में मेरे को बहुत टाइम लग जाता है, मैं लेट हो जाता हूँ। तो ये इसकी बहुत ही अच्छी, मेरे वैसे बदबू हो रही होगी तो उधर हो जाए, मैं नाऊँगा अभी, हो जाओ उधर, तो पसीना आ जाता है गर्मी की स्मेल में, समझ सकता हूँ कि अगर किसी में से बदबू आए तो उसके पास नहीं लगा जाता। तो काफ़ी कुछ अच्छा है इसमें खाना, मतलब रात को समझ सकते हो आप, किसी की बीवी, मैं तो कहता नहीं, मैं तो यही चाहता हूँ कि हर किसी की वाइफ जब उसका दिल करे खाना बना के दे, जब मन करे चाय बना दे, ऐसी होनी चाहिए। तो मैं कर रहा था यार तेरे साथ प्रैंक, मैं भी बता रहा हूँ तेरे को, मैं ये व्लॉग तो बना रहा था, मेरा मन कर रहा था व्लॉगिंग करने का, मैंने करी है जितनी हुई मुझसे, तो बाकी मैं प्रैंक कर रहा था। आई एम सॉरी यार, मैंने तेरे को इरिटेट किया, परेशान पूरा दिन हो गया, आप इस तरह ही कर रहे हो सुबह के। सॉरी मैं क्या करता यार, मैं परेशान परेशान कर रहा, दोबारा नहीं करूँगा, आई एम सॉरी। कान पकड़ रहा हूँ, इधर दिखाओ कैमरे में कान पकड़। ये लो मैं कान पकड़ रहा हूँ इसके, मेरे इसके भी पकड़ रहा हूँ, मेरे के पकड़ रहा हूँ। चल ठीक है, पहले मुझे थोड़ा सा पानी पिला दे ना। लो पहले मैं इतना रोटी बना रही हूँ। पानी पीना है, पानी इसने पिलाया था, इतना टेस्टी लगा पानी। ये कह रही आज 20 नहीं थी, पानी नहीं था, मैं आरो का लेके आई थी। तो ये सहेली के घर से अपने आरो का पानी लाए, मुझे इतना टेस्टी लगा, मैं इसको कहा कि अब आरो लगवाएंगे, कह रही अभी नहीं लगवाना, क्योंकि अभी हमारे बच्चे स्कूल जाने लग गया, खर्चा पड़ चुका है, तो जितना कमाते हैं थोड़ा रेंट भी ज़्यादा है, बाहर इसलिए पड़ते हैं क्योंकि ऊपर का कमरा है ना हमारा, रेंट पे है, तो ऊपर धूप की वजह से गर्मी ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए वो कूलर जाली के दरवाजे पर लगा के वहाँ सो जाते हैं। दिन में तो क्या होता है, दिन में ठंडक रहती है अंदर के कमरे में, 3 बजे के बाद अंदर भी गर्मी हो जाती है, 3 बजे के बाद अंदर भी गर्मी होनी शुरू, बहुत ही गर्म हो जाता है 3 बजे के बाद, अंदर भी। तो बेचारी सरवाइव कर रही है मेरे साथ, हमारी प्यारी सी बेबी। तो सॉरी यार प्रैंक कर रहा था मैं तेरे साथ, गुस्सा तो नहीं है? गुस्सा है क्या सुबह के यार, जिस तरह कर रही, जिस तरह कभी किसके साथ तेरे साथ कर रहा हूँ, दुश्मन हूँ आपके, दुश्मन हूँ मैं, नहीं ये बोतल भरी थी बस पानी की, आरो के लाई थी ठेकी करके। किसी का कमेंट आया था कि ये महारानी यूपी से है। हाँ ये यूपी से है और जिला सहारनपुर से है, जिला गाजियाबाद। कैसे पता लगा, मेरी भाषा से लगा होगा ना। तो भाई साहब कह रहे हम भी, हमारे पास भी क्योंकि हम भी चेल गए। तो मजाक अपनी जगह है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है इसके साथ मतलब बात करना, नहीं आप मुझे परेशान करना। मैंने कब कहा बेबी रोटी बना दे, ठीक है तो अभी मैं खाना खा लेता हूँ, आप भी खा लीजिए। क्या बनाया वैसे, आलू और घिया, आलू और घिया की सब्जी, आलू और घिया की सब्जी बनाई है, आलू लौकी बहुत अच्छी बनाती है ये, टेस्टी है यार बहुत। तो अगर आपको, अगर आपको ये मेरा प्यारा सा प्रैंक अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, देखना कभी भी आलू लौकी बहुत टेस्टी लगता है, पर मैगी मसाला डाल के बनाना, तब मैगी मसाला डाल के बनाना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं अच्छी लगेगी। हाँ क्योंकि मैं टमाटर आलू लौकी और मैगी का एक पाउच डालती हूँ, मस्त होती है सब। मुझे बोलने देगी? तो क्या कहते हैं यार उसको, मैं तो भूल गया। अगर आपको ये प्रैंक मेरा जो प्यारा सा प्रैंक बनाया था मैंने आज, मैं परेशान करना नहीं चाहता पर करना पड़ता है,
तो प्लीज़ वीडियो को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, प्यारे प्यारे कमेंट कर देना कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, इसको सताना अच्छा था या बुरा था। अभी पैर रख के खड़ी है, छोड़ दे थोड़ी की हथ नहीं सता सकता। चलो मैं खाना बनाऊंगा, ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, गुड नाइट।